विकासखंड टूटू के नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों के लिए आयोजित किए गए 6 दिवसीय बुनियादी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन बालूगंज थाना प्रभारी लक्ष्मण ठाकुर ने नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों से नशा मुक्त समाज के निर्माण में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। इस मौके पर लक्ष्मण ठाकुर ने शिविर में मौजूद सभी लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। इसके अलावा COVID-19 महामारी से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। शिविर के समापन अवसर पर बालूगंज थाना प्रभारी लक्ष्मण ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर नशा मुक्त हिमाचल अभियान को सफल बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की। उन्होंने इस कार्य में पंचायत पदाधिकारियों और आम लोगों का क्या और किस तरह का योगदान रह सकता है, इस संदर्भ में सभी को जागरूक किया। उन्होंने नशे का अवैध कारोबार करने वालों की सूचना पुलिस को देने का आग्रह किया और इसके लिए सभी से अपना मोबाइल नंबर साझा किया। थाना प्रभारी ने आश्वस्त किया कि आपके द्वारा दी गई सूचना गोपनीय रखी जाएगी। मैं आशा करता हूँ आप लोग ये जो हमारा जागरूकता अभियान है जन जन तक पहुँचाएंगे और हिमाचल को नशा मुक्त बनाने में सरकार का सहयोग देंगे और नशा मुक्त समाज की स्थापना करेंगे। उसमें जो है हमने जो पंपलेट दिया ना, जिसमें लिखा हुआ है जैसे बच्चे आपके भी बच्चों में क्या सिम्टम होते हैं अगर वो ड्रग लेना शुरू कर दे, तो ये 10-20 पॉइंट है जो हम आपको शेयर कर रहे हैं। और ये आपको जब हम व्हाट्सएप में इसलिए जोड़ रहे हैं सब आपने आप इसमें अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर देना, इसमें हम हर टाइम की समाज की जो अपडेट आती रहती है हमारे पास, जैसे कि हफ्ते में इसने किस तरीके से कैन किया, ठीक है बच्चा शुरू में अगर इस साइड जा रहा है तो आराम से आपका उसको थोड़ा मोटिवेट करेंगे ज्ञान परिवार के लोग, नहीं तो हमारे संपर्क में लाके हम भी काउंसलिंग करेंगे। हमारे को भी आपके बच्चे जो मैं जब ऐसे चो तो मेरे को भी सारे मेरी जुडक्शन के बच्चे अपने परिवार के बच्चों की तरह आप जनप्रतिनिधि है जिस पंचायत के हैं उसकी प्रतिनिधि जो आपको अपना बच्चा नहीं अपना है अपने पूरे दायरे का बच्चा अपने बच्चों की तरह डील करना है। अगर आप इस ढंग से सोचेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है भी आप जो है पूरे हिमाचल को नशा मुक्त बनाने में अपना सहयोग देंगे। भगवान इंसान के रूप में होता है, इंसान मात्र की सेवा भगवान की मात्र सेवा है और समाज में इज्जत भी उसी की है जो अपना कर्म अच्छा कर रहा है। जिस के लिए आप इलेक्ट हुए वो अपने आप निष्पक्षता से ईमानदार से लगन से और कर्म निष्पक्षता से अपना काम करेंगे तो आपकी इज्जत आ जाएगा। मैं जहाँ भी पोस्टिंग रहा मेरे को अपने परिवार से घर के समाज गांव से अच्छी इज्जत मिली, लेकिन अपने पर डिपेंड करता है। तो आपने सबसे मैं उम्मीद करता हूँ भी ये सहयोग करें और अब जो ये अवैध कारोबार की सूचना है वो जोर पुलिस को शेयर करें और आपका नाम इसमें नहीं आगे आएगा। जो ड्रग भी है बताई उसमें भी आपको पता ही है, इसमें आप कोई आइडेंटिफिकेशन आप नहीं जाएगी इतना आपका मोबाइल नंबर। वहीं महिला आरक्षी लता ने महिला सशक्तिकरण और नशे के दुष्प्रभावों से नवनिर्वाचित पंचायत पदाधिकारियों को जागरूक किया। उन्होंने ड्रग फ्री हिमाचल ऐप, गुड़िया हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जागरूक किया। अगर आपको लग रहा है कि कोई ड्रग का यूज कर रहा है, ये नहीं सिर्फ ये बड़ों के लिए, आपको लग रहा है कि बच्चा भी कर रहा है तो आप इसको इन्फॉर्म पुलिस कर सकते हैं। इसमें सबसे जरूरी है लोकेशन, बाकी आप चाहे कोई और इन्फॉर्मेशन डालें या ना डालें उसके बाद इन्फॉर्म पुलिस। नशीले पदार्थों का सेवन करके हम स्वयं के दुश्मन ही नहीं अपितु समाज के दुश्मन बन जाते हैं और उसे नशीले पदार्थों के सेवन में व्यर्थ करने के बजाय अपने बच्चों की शिक्षा और अपने आर्थिक विकास और सामाजिक विकास पर लगाना चाहिए। एक नशीली किसी भी समाज के लिए एक कलंक के समान होता है। इन बुरी प्रवृत्तियों का आना संगत का एक बड़ा कारण है। यदि बचपन से बच्चे का ध्यान रखा जाए तो इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों से बचाया जा सकता है। SHO लक्ष्मण ठाकुर ने शिविर में मौजूद सभी लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। इसके अलावा COVID-19 महामारी से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। मैं स्वस्थ समाज नशा मुक्त हिमाचल का निर्माण करूंगा। जय हिंद, जय हिमाचल।